दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी पुलिस भर्ती के बारे में। क्या दोस्तों यूपी पुलिस भर्ती मेरिट के आधार पर होगी दोस्तों, कि कैसे होगी दोस्तों ये सारा कुछ बताने वाला हूं। क्या यूपी पुलिस भर्ती मेरिट के आधार पर होगी दोस्तों, मेरिट के आधार पर दोस्तों ये कितनी भर्ती होगी दोस्तों, ये सारे बातें मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। पहले उससे अगर आप यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल लेखपाल एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। जैसे एक ट्रिक है रुपया चलाने वाली देश, रुपये चलाने वाले देश, ठीक है दोस्तों। जैसे भाई श्री ने मामा से पाप मांगा, ठीक है दोस्तों। इसमें बताऊंगा जैसे भाग से होता है आपका भारत, ई से इंडोनेशिया, फिर आता है श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, मां से मालदीव, मां से मॉरिशस, फिर से सेशल्स, पाक से पाकिस्तान। तो दोस्तों ऐसे ही मैं ट्रिकी जिस पढ़ाता हूँ दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं डेली तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बात कर लेते हैं यूपी पुलिस भर्ती की, मेरिट के आधार पर भर्ती कब होगी और ये अगर होगी तो किस बेस पे भर्ती होगी। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप तैयारी करते हैं, आपकी एज है अभी पुलिस भर्ती मेरिट के आधार पर आ रही, तो दोस्तों अभी से आप अपनी फिजिकल टेस्ट और इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दी। कैसे होगी तो दोस्तों ये मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है दोस्तों, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था, कब कहा था दोस्तों, ये मंगलवार को कहा है झांसी में एआरएच बहुउद्देशीय बांध परियोजना शिलान्यास समारोह। दोस्तों झांसी में एआरएच बहुउद्देशीय बांध परियोजना का शिलान्यास कर रहे थे, उस समय उसी भाषण में कहा था कि 40,000 कितनी वैकेंसी निकालेंगे फर्स्ट टाइम में, 40,000 दोस्तों। सपोज कीजिए, सपोज ही है दोस्तों, जैसे कहा है कि अगर वो अखिलेश यादव, जैसे पहले उन्होंने कराया भी है, कहते हैं कि लिखित परीक्षा में बहुत बवाल हो जाता है, जैसे नकल वकल इन सभी चक्करों की वजह से सीधा मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। तो दोस्तों कितनी वैकेंसी कह रहे थे फर्स्ट टाइम में निकालेंगे, 40,000 वैकेंसी निकालेंगे फर्स्ट टाइम में। फिर दोस्तों 40,000 वैकेंसी निकालेंगे तो उनके लिए आपका क्या क्या जरूरी होगा, तो उसके लिए आपको पहले तो मेरिट के आधार मेरिट बनेगी, उसमें नाम आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये एक दिन मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा इसके, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे मेरिट क्या रही थी, ठीक है दोस्तों। तो मेरिट के आधार पर फिर दोस्तों लिखित परीक्षा इसमें होगी नहीं, ठीक है दोस्तों, मेरिट के आधार पर होगी, लिखित परीक्षा नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो फिर क्या होगा, केवल मेरिट ही देखेंगे आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं दोस्तों, उसके लिए क्या और क्या क्या रूल्स होंगे, केवल लिखित परीक्षा नहीं होगी। फिर आता है आपका इंटर फिजिकल टेस्ट होगा, क्या है फिजिकल टेस्ट होगा, रेस वेस लगाना शुरू कर दीजिएगा, और फिजिकल टेस्ट और क्या होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होगा, और क्या होगा दोस्तों, और आपके जो मार्क्स होंगे वो देखे जाएंगे, तालिकाएं देखी जाएंगी, मार्क्स अंक की तालिकाएं, मार्क की तालिकाएं देखी जाएंगी, ठीक है दोस्तों। कौन कौन सी जो फिजिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, तो मार्क की तालिकाएं, अंक की तालिकाएं देखी जाएंगी दोस्तों। अगर मेरिट के आधार पर होंगी दोस्तों, होंगी जब ये, मतलब इस समय तो पता है आपको अभी चुनाव होने वाला है, ये चुनावी मुद्दा भी हो सकता है अखिलेश यादव सरकार, लेकिन दोस्तों ये पहले भी कराई है वैकेंसी तो करा भी सकते हैं, आपको पता होगा जिन्होंने जिन्होंने पहले किया होगा, किसी वजह से बाहर होंगे, कुछ नए होंगे, लेकिन सभी को पता होगा कि पहले भी अखिलेश यादव ने वैकेंसी कराई थी, इसकी पुलिस की भर्ती कराई थी मेरिट के आधार पर, और फिर कराने के लिए कह रहे हैं कि इतनी 40,000 फर्स्ट टाइम में निकालेंगे,
और आपको ये भी पता है कि योगी सरकार ने भी वैकेंसी निकाली थी, उन्होंने भी एग्जाम्स कराए हैं, कई बार दो तीन बार निकाले हैं एग्जाम्स। तो दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों मैं छोटी से छोटी आपको बात एग्जाम से रिलेटेड और एग्जाम मटेरियल तैयार कराता रहता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।